टुडे विद हफीज खान की एक नई एपिसोड के साथ आप सुनना चाहते हैं। हम पिछले एपिसोड में हफीज खान साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जिसकी 3 एपिसोड्स पहले हो चुकी हैं। आज हम इनकी जिंदगी के बारे में मजीद जानेंगे। सर, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में जहां तक आप पहुंचे थे वो था आपका रेडियो की जिंदगी का दौर। हाँ, रेडियो में मैं कैसे गया? तो ये आप रेडियो मुल्तान में गालबन आपने कर रेडियो बाबरपुर भी और रेडियो मुल्तान भी। जी, मैं वहाँ मुख्तलिफ कैपेसिटीज में रहा, लेकिन ये देखिए कि मैं ये कहा करता हूँ कि जो कुछ मैंने जिंदगी में अच्छा सीखा वो भी रेडियो का दिया हुआ है। और जिस तरीके से मैंने मुश्किलात से निपटा और जहाँ जहाँ मुझ पर अरसा हयात तंग किया गया जिसे आप कहते हैं वो भी रेडियो की था। लेकिन जो रेडियो के माइक से मोहब्बत है वो कमाल की चीज़ है। वो बिल्कुल, यह इसकी बेताइब करता हूँ कि रेडियो का माइक आपको नहीं छोड़ता। मैं तो अभी तक रेडियो पे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करता हूँ, इंग्लिश प्रोग्राम करता हूँ करंट अफेयर का, जो इनका रेडियो का न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल से। तो वो जो आपको एक तस्कीन मिलती है कि आप बैठे हुए बात कर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है, आप कम्युनिकेट बेटर तौर पर कर सकते हैं, ये सब कुछ रेडियो का दिया हुआ है। तो मैं ऑब्सेस कर रहा था कि उन दिनों की बात है जब 72 में मैं एफएससी में था। आज के बड़े नाम जो हैं वो सदाकार बुनियादी तौर पे थे। हाँ। और माइक को हैंडल जो करने में मास्टरी जिसने हासिल कर ली वो आज भी बड़ा है। जी, जब तक आपके आवाज में, बोलने में, आपके बात करने में एक रचाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, उसमें आप जो कम्युनिकेशन के लेवल्स हैं वो नहीं बनते। मुस्तफा कुरैशी, ज़िया मुहीउद्दीन, मोहम्मद अली, ये सब जो है बड़े नाम, महमूद अली। आज भी इनकी फिल्में देखें या इनके ड्रामे इनके देखें तो उनकी आवाज में जो दबदबा, घन गरज या उतारो चढ़ाओ, जेरो बम जो है वो उसका मुकाबला नहीं किया। तलत हुसैन, सुहेल असगर हमारे साथी थे रेडियो मुल्तान पर। मैं जो रेडियो में गया पहले, तो आप समझ लीजिए कि रेडियो से मुझे सुनने से बचपन से इश्क था। और जब ट्रांसिस्टर्स नए नए आए थे हमारे दौर में, तो मैंने मैट्रिक तो कर लिया था उस वक्त 13.5 साल की उम्र में, कि कदगन नहीं होती थी कि 16 साल की उम्र में मैट्रिक कर आओ। तो एफएससी में चले गए, सेकेंड ईयर था, तो रेडियो मुल्तान का आगाज नया नया हुआ था। तो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था मौजूदा बांग्लादेश, वहाँ से एक प्रोड्यूसर वो आए वहाँ से, क्योंकि जो उर्दू स्पीकिंग थे तो रेडियो मुल्तान पे उन्हें पोस्ट किया गया। तो उनका नाम था कमर हुसैन, सैयद कमर हुसैन। क्या बात है उनकी आवाज़ की। यहाँ आकर उन्होंने रेडियो मुल्तान से सरूद सहर के नाम से एक डिस्क जॉकी प्रोग्राम शुरू किया जो सुबह 7:10 पर नशर होता था प्रोग्रामों के खुलासे के बाद। 7:10 पे खबरें ख़त्म होती, फिर 2-3 मिनट का वो उसका खुलासा, और फिर सरूद सार की सिग्नेचर ट्यून बजना शुरू हो गया। 7 बजे तो प्राइम टाइम होता था रेडियो का। और उस वक्त तो नाश्ता वाश्ता हो रहा है, घर में तैयारी हो रही है और ट्रांसिस्टर रेडियो चल रहा है और पूरे घर में वो टीवी तो होता नहीं था तो सुना जा रहा है। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट था डिस्क जॉकी प्रोग्राम के, हल्की फुल्की गुफ्तगू, और उसमें वो करते थे अपनी गुफ्तगू और उनकी आवाज़ बड़ी लौचदार थी, और वो कॉपी करते थे अमीन सयानी को, श्रीलंका जो रेडियो सैलून वाले ना, लेकिन उनसे वो बेहतर करने की कोशिश करते। तो होता ये था कि सरूद सहर के कुछ प्रोग्राम उसके प्रोड्यूसर कमर हुसैन करते थे, बस प्रोड्यूसर, और स्क्रिप्ट लिखा होता था मुनव्वर शहजाद का। वो स्क्रिप्ट जो था उनसे लगा खाता था कमर हुसैन की आवाज़ से और उनके बोलने के तरीके से। इसी तरह एक और राइटर थे, स्क्रिप्ट राइटर, रफीक खाबर जिस्कानी बोधर के थे, वो एक संजीदा लिखने वाले थे। तो जब उनका स्क्रिप्ट होता तो वहाँ की एक और सुनहरी आवाज़ रेडियो मुल्तान की कैसर नकवी, तो वो प्रोग्राम किया करते थे। ये इनका कंट्रास्ट था, कैसर नकवी की बड़ी गंभीर आवाज़ और बड़ी ज़बरदस्त जिसे कहते हैं रेडियो की आवाज़ में, तो उधर से कमर हुसैन, और फिर जब कमर हुसैन नहीं है तो कैसर नकवी। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी की, बड़ी कैप्टिवेटिंग। तो मुझे याद है कि ये 72 का आखिर था या 73 का शुरू था कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये किया कि जो उन्हें फिकाहिया खत लिखेगा सरूद सहर में, तो उसको, उसका नाम लिया जाएगा और उसको बाद में बुलाया भी जाएगा रेडियो पर, जो सबसे बेहतर खत जिसको होगा, और अपने खत के साथ आप उस साथ कोई
एक मिलता जुलता उससे मैच करता हुआ नगमा भी तजवीज़ करें। तो मैंने एक फिकाही ख़त लिखा और ख़त लिखने के साथ मैंने ये किया कि उन दिनों एक नई फिल्म आई थी आस, उसमें नई रंग में गाया हुआ था कि वो बोल री गुड़िया बोल, एक बड़ा मशहूर हुआ था। एक तो उसका गाना था तेरे तेरा साया जहां भी हो सजना पलके की चादरी दिए था, ये दोनों हिट गाने थे उसके। तो ये जब मैंने मैच करके भेजा और वो प्रोग्राम चला जिस वक्त चल रहा था, गलत मंगल के दिन को वो उन्होंने पढ़ने होते थे, पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ख़त्म होता चला जा रहा था और आखिरी तीन चार मिनट बचे कि जब कबर हुसैन की आवाज़ गूंजी के अहमद गुलशकिया से जो जिस खत ने पहले नंबर पे आया है वो हफीज़ुल्लाह खान का लिखा हुआ है और वो लिखते हैं, उन्होंने मेरा खत पढ़ा, उसका जो पोर्शन था फिकाइया और साथ ही वो गाना वो बोल री कुड़िया बोल नैयर नूर की आवाज़ में। तो हम घर वाले, मैंने किसी को नहीं बताया हुआ था कि मैंने खत लिखा है, तो मेरी अम्मी भी और छोटे भाई भी सारे बैठे हुए थे। तो वो जब मेरा नाम सुना तो यकीन जानिए कि वो एक लम्हा था। उस लम्हे के बाद मैं अहमद गुलशकिया पूरे में जहाँ जहाँ मैं जाना चाहता था मैं मशहूर हो चुका था कि इसका नाम सरूद सार में आया है और उसने खत लिखा है, फिकाई खत लिखा है, जो पूरे उस रीजन को जहाँ जहाँ सुना चाहता था प्रोग्राम के वहाँ से बेहतर बेहतर खत मेरा था। तो मुझे इन्वाइट किया गया फिर रेडियो मुल्तान पर, मुल्तान जाया करते थे अहमद गुलशकिया से, वहाँ हमारे अजीज़ भी रहते थे। तो मैं वहाँ गया, रेडियो स्टेशन मेरे लिए ख्वाबों का एक था जहाँ, वहाँ पर सिक्योरिटी वालों से होता हुआ और मैं नाम आया हुआ था। फिर कमर हुसैन के कमरे में गए तो उनका कमरा था फर्स्ट फ्लोर पर और एक बड़ा सादा सा आदमी, पान चबाने वाला और उसकी बड़ी ज़िंदा सी आँखें और जैसे कहते हैं कि और वो बात बात पर कहका लगाने वाला, एक पोटली जिसमें उनका वो पान मसाला वगैरह रहता था और एक ढीली सी पतलून पहनी हुई, ढीली सी शर्ट पहनी हुई, कॉम्प्लेक्स वाली आदमी आज जी और इंकसारी का मुजस्मा। तो वो उनसे बड़ी गपशप की, तो उन्होंने कुछ और लोगों से मिलवाया, उसमें एक और प्रोड्यूसर थे सलाम नासिर, सीनियर प्रोड्यूसर थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि यार कहाँ से आए हो? तो मैंने कहाँ पढ़ते हो? तो मैंने बताया कि मैं सादिक अजरटन कॉलेज बागलपुर में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा यार यूनिवर्सिटी मैगजीन प्रोग्राम में आओ ना हमारे, चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो मुझे यूनिवर्सिटी मैगजीन प्रोग्राम में ले गए, वहाँ रिकॉर्डिंग हुई। उन्होंने कहा कि कुछ अपना लिखा पढ़ा याद है? तो मैंने कहा जी मैं अपना वहाँ कॉलेज का वीकली कॉलम लिखा करता हूँ ऐसी कॉलेज की शब रोज़ के नाम से। तो उन्होंने कहा था कि अभी रिसेंट लिखा हुआ कॉलम है? तो मैंने कहा जी कल छपा है, वो मेरे पास मौजूद है, तो रोज़ अखबार में छपता था मेरा कॉलम। तो मैंने वो निकाला, वो मैंने वो पढ़ दिया, तो उसका मुझे 20 रुपये का चेक मिला था जो मेरे पास अभी तक मौजूद है, उसको मैंने कैश नहीं करवाया। तो ये 72 के आखिर आपने ड्रामे भी लिखे और ऐसे भी ड्रामे लिखे जो एक रात में, जैसे आपने पहले भी कहा कि 45 मिनट का ड्रामा लिखा था, चैलेंज था ये लेकिन अभी मैं रेडियो में दाखिल नहीं हुआ ना, जरा उसमें थोड़ा सुन लीजिए कि फिर मैं रेडियो में कैसे गया। तो अब अहमदपुर का बंदा मुल्तान कैसे जाए? BSc में दाखिला हो गया था। तो हुआ ये कि फिर कमर हुसैन, मैं जब भी मुल्तान जाता 2-4-6 महीने के बाद तो मैं रेडियो ज़रूर जाता कमर हुसैन। तो ये बात 75 के अवैल की है, 75 के। उन्होंने मुझे कहा कमर हुसैन ने कि यार वो आपके यहाँ रेडियो बन रहा है बागलपुर में, उसका ऐलान हो गया है और वहाँ हमारे एक इंजीनियर थे चौधरी बशीर, तो वो वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, और वहाँ जो आपके स्पोर्ट्स ऑफिस की बिल्डिंग है चिड़ियाघर के साथ चिड़ियाघर के सामने एक सपोर्ट्स की बिल्डिंग थी, सपोर्ट ऑफिस था, तो वहाँ पर उसी बिल्डिंग को मुंतखब किया गया, वहाँ रेडियो बन रहा है और उसको बड़ा तेज़ी से कन्वर्ट किया जा रहा है स्टूडियोज में और वो रेडियो का इफ्ताह होना है ये जून में, तो आप जाकर देखें। तो मैं तो वहाँ पढ़ता था, मैं फिर उधर से गुजरते हुए मैं वहाँ गया तो वाकई एक भारी भरकम आदमी चौधरी बशीर नाम का बैठा हुआ, तो वो बैठे हुए तो मैंने उससे मिला कि ये रेडियो कब बन रहा है, कब ये होगा? तो उन्होंने मुझे देखा कि मुंडिया तेन बड़ी काल है तेरे रेडियो बनने की, मुझे याद है उनका जुमला। तो फिर वो मैंने फिर वो देखा और फिर वो कैसे कैसे उसकी दीवारें बनती गईं, फिर अमला आया और फिर उसके ऑडिशन शुरू हो गए। तो जून में 17 जून 1975 को हमारे ऑडिशन हुए
और मैं वहाँ पर सदाकार की हैसियत से मैं सेलेक्ट कर लिया गया। वहाँ पर एक अल्ताफ कुरेशी होते थे कश्मीरी चिट्टे गोरे से, ही वॉज प्रोग्राम मैनेजर देयर। एक सलमान अल मुअज्जम प्रोड्यूसर होते थे, आजकल रिटायर हो चुके हैं, वो लोगों के रावलपिंडी के रहने वाले थे। अकरम शाद एक नाम था, बाग अहमदपुर के रहने वाले थे, मुल्तान में पहले होते थे, जो ये लोग थे। और तो सज्जाद तिरमजी ही वॉज फैशन डायरेक्टर, तो ये लोग आ गए। तो हमारी क्लास लेते थे वो रेडियो में डेली शाम को अल्ताफ कुरेशी, लान में बिठा कर। हम कोई 20-25 लोग थे, ख़वातीन और हजरात लड़के लड़कियां के, जिनको वो सिखाते थे तलफ़ुज़ क्या है। मुझे याद है कि उससे पहले हम लोग भावलपुर के रहने वाले भावलपुर कहते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि ये भावलपुर नहीं है, ये बहावलपुर है। रेडियो ने तो ऐसे अहले ज़ुबान जो है वो मुलाजम रखे होते थे, जिनका काम सिर्फ तलफ़ुज़, जैसे मुल्तान में कमर लखनवी थे हमारे। तो ये था कि फिर 1 जुलाई 1975 को रेडियो का आगाज हुआ, और मेरा वहाँ से वो फिर फीचर भी शुरू कर दिए लिखने, मैंने वहाँ लिखने सराकी के। और फिर उसमें मुझे याद है जो मैंने पहला ड्रामा किया था रेडियो बावलपुर से, उसमें तीन किरदार थे, मैं था उसमें, बतूल रहमानी मरहूमा थी, और एक शुएब अहमद, ये हम तीन लोग थे। तो हम तीनों ने वो स्क्रिप्ट हमें ऑन एयर जाने से 10 मिनट पहले दिया गया था, 15 मिनट का फीचर था, और हमने उसको बराह रास्त करना था रिकॉर्डिंग के बगैर। वो जमूर दीवाज प्रोग्राम में अकरम शाद वाज प्रोड्यूसर, वो हमने वो किया। हाँ, ये 75 की बातें हैं जो कर रहा हूँ। तो फिर रेडियो का जो बाकायदा इफ्तार था, ये तो रेडियो 1 जुलाई को शुरू हो गया था, लेकिन उसका जो फॉर्मल इनॉग्रेशन थी वो फिर 17 अगस्त को। वाले साहब मेरे ग्रेड थे जी, आप रेडियो में चले गए, तो ये वो मेरे नहीं थी। ना वो मेरे ना, जब उन्हें पता चला कि मेरा बेटा रेडियो में जाता है तो कॉलेज भी जाता है, और कॉलेज से होते हुए रेडियो से भी होकर आता हूँ, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि वो चीज़ें देखते थे। बल्कि जो रेडियो से मोहब्बत का सिलसिला था वो वालिद साहब के तवस्सुल से हुआ, कि हमारे घर में जो रेडियो का एक रिसाला वाला प्रोग्रामों का आहंग के नाम से 15 रोज़ा होता था, उसमें पूरी डिटेल होती थी हर स्टेशन की, वो जो हमारे स्टेशन थे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के और इधर के, कि कौन से वक्त में कौन सा प्रोग्राम शुरू होना है। मेरे वाले सब क्लासिक की मौसीकी बड़े सुना करते थे शौक से, तो रात को 10:20 पर एक 10 मिनट का चंक होता था रेडियो लाहौर से, वो रोशन आरा बेगम या नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, या वो ये थे फतेह अली और उनके भाई जो अमानत अली और फतेह अली खान, इनका तो गायब हुआ, तो वो वहाँ टिक किया करते थे कि इन दिनों को उन्होंने सुनना है, रात को सुना करते थे। तो आहंग में तस्वीरें आती थी उन लोगों की जो रेडियो में बोला करते थे, तो बड़े शौक था। फिर हम भी उसी काफिले में शामिल हो गए, और ये था रेडियो भावलपुर में हमारी एंट्री। जब मैं वहाँ से BSc कर रहा था, तो इसकी अगला पड़ाव मुल्तान में कैसे पहुँचा और बाकी फिर मनाजिर कैसे तय की, तो वह इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम रखेंगे। नाज़रीन वक्त ख़त्म हो रहा है, बातें ज़्यादा हैं, तो बाकी हम कवर करेंगे अगली। कैसे कैसे दोस्तों से मिले, क्या कुछ याद दिला दिया आपने। नाज़रीन हम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे, और बाकी हम आइंदा अगले आने वाली, इजाज़त दीजिए कि आप सुनना चाहेंगे अंदर भी, कि लोग सुनना चाहते हैं, लोग आप भी हैं, लोग हम भी हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा।